नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल संबंधित प्रश्नों में अगला दिन देखते हैं। आज दूसरा दिन है। पिछले क्लास में मैंने आपको आपसे कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे, आज भी हम लोग कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे अगले पैटर्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन है संख्या 54751 यानी 54751 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 54751 में कौन सा ऐसा संख्या जोड़ा जाए, ऐड किया जाए कि ये संख्या जो है, जो परिणामी संख्या है, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा या उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संख्या 54751 में जोड़ दिया जाए, किसमें जोड़ दिया जाए। 54751 में कौन सा ऐसा संख्या जोड़ा जाए कि ये पूरा का पूरा संख्या जो परिणाम के स्वरूप आएगा वो जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो बचपन में जब हम लोग वर्गमूल निकालते थे तो इस प्रकार से निकालते थे, आप लोगों को याद होगा, अंतिम से पेयर लगाते हुए, अंतिम से दो दो अंकों का पेयर लगाते हुए। ठीक है, दो दो अंकों का पेयर, दो अंक एक ही सिंगल बच गया। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां पर एक ऐसा अंक रखना है जिसको स्वयं से ही गुणा करना होगा और उसका परिणाम जो है, यहां पर जो संख्या है, यहां पर जो संख्या है उसके बराबर या ये संख्या जो पांच है इसके बराबर या इससे कम हो। ठीक है, तो दो रखेंगे एक रखेंगे एक हो जाएगा, तो दो रखेंगे तो चार होगा, तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, निकटतम रखना है तो दो हो जाएगा, और अगर तीन रखते तो नौ हो जाता, इससे ज्यादा हो जाता, तो हमको दो ही रखना होगा, दो गुना दो चार, तो ये चार हो जाएगा। और यहां पर क्या आ गया, दो, ये दो जो नीचे वाला है इसको यहां रख देना है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अब जोड़ दिया जाए, तो दो दो चार, दो दो चार। अब क्या करना है, यहां पर जो बैलेंस आया पांच में से चार गया तो एक, अब इधर से जो एक पेयर को उठाकर यहां पर रख देना है, एक पेयर को उठाकर यहां पर रख देना है, तो पेयर में क्या है 47, तो 47 रख दिया। अब देखिए यहां पर ऐसा संख्या रखना है कि उसी संख्या से फिर इसको गुणा करना होगा, टोटल को यहां पर जो संख्या रहेगा उसी से इसको यहां पर गुणा करना होगा। तो हम तीन रखे दो रखेंगे तो दो से गुणा, 44 दो रखते हैं तो दो से गुणा, तो 42 84 हो जाएगा। तीन रखेंगे तो तीन से गुणा, तो तीन से गुणा करेंगे, चार से अगर रखते हैं तो चार से गुणा होता है तो 160, 40 गुणा चार 160 हो जाता है, तो 44 गुणा चार तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहां 147 है इसलिए हम यहां पर तीन रखेंगे। तो तीन दोनों को आपस में गुणा किया जाए, तीन किया 9 और चार किया 12, 129। अब इन दोनों को यहां पर जोड़ दिया जाए, 43 और 3 46। ठीक है, अब या इस तीन को जो यहां पर ये तीन रखा गया है उसको यहां पर ले लीजिए, हमारा आंसर यहीं पर जो प्राप्त होगा वही होने वाला है। ठीक है, लेकिन हमको जोड़ घटाव देखना है, वर्ग जो है किसका पूर्ण वर्ग होगा ये यहां से डिक्लेयर होगा, कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा यहां से डिक्लेयर होगा, लेकिन कौन सा संख्या जोड़ा जाए, कौन सा संख्या घटाया जाए वो यहां से डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या हो गया, इसमें से डिफरेंस निकाला जाए, 7 है या 9 है, ये ज्यादा है तो एक बकाया, एक दाएं 10 7 17, 17 में से 9 गया तो 8 और 3 में से 2 गया तो 1 18। अब जो यहां पेयर बच गया उसको उठा के यहां पर रख देना है, जो पेयर को उठा के बैलेंस के साथ रखते जाना है। ठीक है, और यहां का क्या केस है, यहां का केस है उसी संख्या को यहां पर रखना है फिर, जिससे कि इस संख्या को हम गुणा कर सकें, जो यहां पर संख्या रहेगा उसी से इस पूरी संख्या को गुणा करके या तो इसके बराबर या तो इसको कम लाना है, या तो इसके कम लाना है। तो देखिए, और जो यहां पर संख्या रखेंगे वो यहां पर आ जाएगा, जो परिणाम के रूप में किस संख्या का वर्ग है, कौन सा संख्या का वर्गमूल क्या निकला, ये सारा जो देखना है। ठीक है, तो अब देखिए 46 है यहां पर, यहां 1800 है, 1851। अब अगर हम
तीन रखते हैं, तीन रखते हैं तो चार तिया बारह हो जाएगा, ठीक है, 1200 हो जाएगा क्योंकि तीन से ही गुणा करना होगा, और 7 × 180 यानी 1300, 1800 के आसपास नहीं है क्योंकि 500 होता है यहां पर, तभी 1800 के आसपास हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां चार रखेंगे तो 4 × 16, 5 रखेंगे तो 2000 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 रखेंगे यहां पर तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, देखिए जैसे यहां 5 रख दिए तो ये 5 से गुणा किए तो 2000 हो गया, इसलिए 5 रहेगा नहीं, 3 भी रखेगा नहीं, 3 रहेगा 1200 हो जाएगा, तो यहां पर हम बीच में 4 है उस संख्या 4 को रखेंगे, यहां पर 4 रखेंगे और यहां पर हम 4 ले लिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को गुणा करते हैं, 4 × 16, 6 × 24, 4 × 16, 6 × 24, 24 × 16 का एक बकाया था 25, ठीक है, और 4 × 16 बकाया 25 का 2, 16 तो 18। अब देखिए कंसेप्ट ये है, कहा जा रहा है इस संख्या में कौन सा ऐसा संख्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हमेशा यहां पर जो रिमाइंडर लास्ट रिमाइंडर बचता है, लास्ट बचता है पेयर जो हम उठा के यहां पर रखते हैं, उससे हमेशा इसका जो यहां पर का परिणाम है ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होना है। अगर घटाने के लिए कहा जाएगा कौन सा संख्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हमेशा इस संख्या यहां पर जो संख्या है इससे ये संख्या कम होना है, क्योंकि ज्यादा जोड़ना है, जोड़ना है इसलिए ज्यादा, ज्यादा करना है, जोड़ना है इसलिए यहां पर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए अब क्या है, दोनों का डिफरेंस 1851 1856 डिफरेंस क्या हो गया 5, डिफरेंस हमारा क्या हो गया 5, यानी कि इस संख्या में, इस संख्या में 54751 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाए, तो किसका पूर्ण वर्ग होगा, तो 234 का पूर्ण वर्ग होगा, 234 का पूर्ण वर्ग इसमें 5 जोड़ने के बाद वो संख्या हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं सेम पैटर्न पर, ताकि आपको और अच्छी तरह से हम समझा सके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक यानी कि संख्या यहां पर अंतर है, संख्या का हेर फेर है, करना वैसे ही है, इसका सॉल्यूशन भी उसी सेम प्रकार से होगा। हम इसलिए आपके सामने इसको रखे हैं ताकि आप जो है अपने, ताकि जो है आपको हम और प्रैक्टिस करा दें, एक दो क्वेश्चन के साथ आपको जब प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम आपको सीख गए, एक में तो आदमी समझते समझते देर हो जाता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जब समझा ही नहीं आपको ना तो लगेगा कि हाँ हमारे अंदर वो चीज बस गया है, हम उस चीज को सीख चुके हैं। तो चलिए देखिए इसको, संख्या 30942 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग मूल निकाला जा सके, उस संख्या का पूर्ण वर्ग मूल निकाला जा सके, ठीक है। तो अब क्या है, 30942, ठीक है, पेयर लगाना है, कुछ नहीं करना है, पेयर लगाना है, पेयर लगाना है। देखिए अगर दो दो का ही पेयर लगाने का मन है ना, तो दो का पेयर लग गया, दो का पेयर लग गया, यहां पर एक जीरो रख दीजिए, दो नहीं मिल रहा है दो अंक, तो जीरो रख लीजिए सामने और उसके पेयर लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, करना क्या है हमें, इस संख्या से किसी ऐसा संख्या का स्क्वायर यानी इससे कम हो तो एक का स्क्वायर यानी एक गुना एक, ठीक है, हम यहां भी एक लिख लेते हैं, ठीक है, वहां भी एक लिख लीजिए। अब क्या होगा, एक एकम एक, यहां लिखिए एक गुना एक, इन दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं तो एक आ गया। अब इन दोनों का अंतर क्या हो गया, दो हो गया। अब क्या है, यहां जो अगला पेयर है उसको उठा के यहां पे लेकर आना है, जो अगला पेयर है इसको हम उठा के यहां पर लेते आए, उठा के यहां पर लेते आए। अब क्या है, इन दोनों को जो इधर भाग फल, इधर भाजक जो है, जो भाजक हमारे पास है उन दोनों को आपस में जोड़ देना है, जोड़ देना। अब हमारे पास यहां पर 209 है, यहां पर 2 है, तो हम इसके साथ में इकाई अंक पर कौन सा ऐसा संख्या रखें कि 209 आ जाए या 209 से थोड़ा सा कम हो, यानी 209 के निकटतम हो, अधिक ना हो। तो देखिए अगर हम यहां पर 5 रखते हैं तो 25 × 5 125 होता है, ठीक है। अगर 8, चलिए 7 रखते हैं, 7 रखते हैं, 7 × 7 49,
का 9, 7 गुना 14, 14 चार 18, 18 अगर 8 रखते तो क्या होता, 8 64 का 4, 8 गुना 16, 16 6 22, 8 रखते तो ये संख्या ज्यादा हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है। तो अब क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 27 और 7 34, देखिए 7 को यहाँ पर ले चले आना है, 7 को यहाँ पर भागफल यानी कि जो हमारा पूर्ण वर्ग कौन सा संख्या का है वो स्थान पर रखना है, भागफल पर रखना, वो भागफल कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो 34 है, 27 7 34 यहाँ डिफरेंस कर लिया जाए, 0, 20 में से 18 गया तो 2 यानी कि 20 आ गया, ठीक है। अब इस अंतिम पेयर को यहां पर हमको फिर लेके आ जाना है 42, अब 20 42 हो गया, अब यहां पर एक ऐसा संख्या रखना है कि जिसका उसी संख्या से गुणा करने के बाद इससे ज्यादा प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमको यहां पर जोड़ के पूरा करना है, जोड़ के इस संख्या को वर्ग बनाना है, अगर घटा के वर्ग बनाना होता तो इस संख्या से कम संख्या लाने का प्रयास करते, इस संख्या से कम संख्या यहां पर लाते, लेकिन चूंकि हमको जोड़कर बनाना है, चूंकि हमको जोड़कर बनाना है इसीलिए इस संख्या से ज्यादा जो है, इस संख्या से ज्यादा हमको यहां पर लाना होगा और जो डिफरेंस होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहां पर देखिए 4 से होगा नहीं, क्योंकि 344 हो जाएगा, 3 × 4 = 1200 हो जाएगा, 1 × 2 = 200 पढ़ेगा 1400, 3 × 5 = 1500, 1 × 2 = 200 पढ़ेगा 1700, तो 6 हम ले लेंगे, 6 ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर 7 लेंगे, तो 6 से यहां भी हम 6 ले लिए, यहां भी 6 ले लिए, ये बताता है हमको कि कौन सा संख्या का ये वर्ग होगा, कि कौन सा संख्या इस संख्या का ये वर्ग होगा जोड़ने के बाद, सारा तामझाम इसका है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 6 बार हो गया, 6 × 6 36 का 6, 6 × 24 36 का बकाया 3 रहा, 6 × 24 3 27, 27 बकाया 2, बकाया 2, उसके बाद 6 × 3 = 18, 2 × 20 20। अब देखिए इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए, इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो 42 8 50 और 26 76, तो 26 8 34 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमको 34 इस संख्या में जोड़ेंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा और जिसका कि पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है। देख कुछ है नहीं इसे प्रश्नों में, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि ये हम क्या इस संख्या को यहां पर रख दिए और पेयर बना दिए, बाई और से दाई ओर से पेयर बनाते गए दो दो का, तो एक पेयर दो पेयर या तीसरा पेयर बन नहीं पा रहा था, या तो सिंगल रख लेते या तो फिर एक जीरो हम रख दिया। अब इस पेयर में क्या हुआ, 3 है, 0 3, तो 3 के आसपास का संख्या ऐसा संख्या यहां पर रखना है कि हमको दोनों का आपस में गुणा करें तो 3 से कम या 3 आ जाए, तो 3 से 3 तो एग्जैक्ट आ नहीं सकता, तो 3 से कम तो 3 एक से लेंगे, एक एकम एक, जो यहां पर रहेगा संख्या वही संख्या यहां पर रहना है, तो एक एकम एक, 2 लेते तो इससे ज्यादा हो जाता, 2 × 2 = 4 हो जाता, तो एक लिए एक एकम एक, इन दोनों को आपस में जोड़ दिए, एक एक 2 हो गया। अब क्या है, 3 में से 1 घटा दिए, 2 हो गया, अब यहां पर 1 लिख दिए, यहां पर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, यहां पर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो यहां पर चेक करना है क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, तो हमको जोड़ना क्या है ये देखना है, तो उधर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, फिर भी आपको जानने के लिए, आपकी जानकारी के लिए हमने यहां पर बताया, ठीक है। अब क्या अगला जो पेयर है उसको उठाकर यहां पर रख देना है, डिफरेंस क्या आ गया, 3 में माइनस 1 गया तो 2 आया, यहां पर जो अगला पेयर 0 9 है उसको उठाकर यहां पर लाए, अब यहां पर 2 हमारा संख्या था तो इसके साथ इकाई स्थान पर एक ऐसा संख्या रखना है कि यहां पर जो 209 बना है ना उससे बराबर या उससे कम हो जाए, तो हमने यहां पर 7 ले लिया, 7 ले लिया तो 27 × 7 = 189, आपको मैंने कहा है कम से कम 50 तक पहाड़ा याद रखिए, 50 तक पहाड़ा रखिएगा तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 7 रख लिया हमने, 27 × 189, ठीक है 189, तो 189 माइनस किया गया 20 आ गया, और 27 को 7 से जोड़ दिया 34 आ गया। अब अंतिम पेयर यहां पर 42 जो है, ये 42 को हम यहां 20 के साथ रख दिया, अंतिम पेयर 42 को जो है 20 के साथ हमने रख दिया, जब 20 के साथ हमने रखा तो हमें 20 और 42 प्राप्त हुआ।
अब यहाँ 34 जो था, इस 34 के साथ कौन सा ऐसा संख्या रखें कि इससे ज्यादा होना है, क्योंकि हमको जोड़कर वर्ग बनाना है। इस संख्या में कोई ऐसा संख्या जोड़ना है, जोड़ना है तो ये नीचे वाला जो पार्ट है गुणा करके लाना है, वो ज्यादा लाना होगा, ज्यादा लाना होगा। तो ज्यादा लाने के लिए क्या है, हम इसी को 6 से गुणा कर दिए, 5 से गुणा करते 1700-1800 के आसपास आता, 6 से गुणा किए तो 2076 प्राप्त हुआ, दोनों का डिफरेंस 34 होता है, तो हमारा आंसर ठीक है, ये कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम और दे देते हैं, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम और करा देते हैं आपको, ताकि और आपको क्लियर हो जाए, और आपको क्लियर हो जाए। तो क्या है संख्या 30585 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो किस संख्या में 30585 करना क्या है, पेयर का खेल, पेयर का खेल, एक पेयर, दो पेयर, तीसरा नहीं है, जीरो रख के पेयर बना देंगे, जीरो रख के पेयर बना देंगे, तो एक एक से गुणा करेंगे एक बार, तो ये एक एक दो हो गया। यहां पर हमको रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको निकालना है कौन सा संख्या जोड़ना है या घटाना है, कौन सा संख्या जोड़ना है, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, दो आ गया, तीन में से गया दो, ये अगला पेयर को यहां उठा के लेते आए 05, ठीक है 05। अब इसमें क्या हम जोड़े, इसमें हम क्या रखें यहां पर कि संख्या उसी संख्या से गुणा करने के बाद 205 के आसपास आ जाए, तो 27, तो 27 27 सती 189, 749, 7 × 14 = 18, ठीक है 189। अब 15 एक दाई 10 5 15, 15 से 9 गया तो 6, उसके बाद 19 बच गया, यहां पर 19 बच गया तो एक, ऐसे भी कर सकते 11 200 और 5 11 5 16, ठीक है। अब अगला पेयर ये जो है इसको उठा के यहां पर हमको लाना है, कुछ नहीं करना है, अगला पेयर को उठा के लाना है, एकदम फटाफट बनेगा, फटाफट बनेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए, एकदम फटाफट बनेगा। इन दोनों को गुणा कर दिया जाए 27 7 34, 1685 मेरे पास आ गया। अब यहां पर कौन सा ऐसा संख्या रखना है कि इससे ज्यादा आ जाए, तो हम 5 रख सकते हैं, 4 रखेंगे तो 1200 हो जाएगा, और 728 यानी 200 आएगा, या 300 आ जाए, चलिए 300 आ जाए। अगर यहां पर 3 रखते हैं, नहीं 4 रखते हैं, 4 रखते हैं तो यहां 400 है नहीं, 375 है, 4 है नहीं रहेगा, 374 रहेगा, तो 1600 से तो कम ही हो जाएगा ना, 1600 से कम ही रहेगा, इसलिए 5 रखिए, हम 5 रखिए तो गुना करते हैं, 5 × 25 7 हासिल 2, 7 × 35 और 2 × 37 हासिल 3, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 15 × 3 = 18, 4 रखने के बाद हो रहा था क्या, 4 रखते हैं 374 गुना 4, 4 × 16, 7 × 28, 28 × 29, 4 × 3 = 12, 12 और 4 × 3 = 12, 12 और 2 = 14, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, इसलिए 5 से 1875, 1875। अब देखिए क्या है, 1685 हटा दीजिए, मान लीजिए 1675 ही है, 1675 है, 1875, तो 200 का डिफरेंस, 200 का डिफरेंस, और चूंकि 1685 है, 10 ज्यादा इसमें था, तो 200 में से 10 घटा दीजिए तो 190, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इस संख्या में 190 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, 190 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन हमने क्या लिया, संख्या 30585 में कौन सी संख्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, उसमें जोड़ रहे थे इस संख्या में, हम अब घटा रहे हैं, अंक भी सेम है, अब हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं, सेम पैटर्न अपनाना है, सेम पैटर्न अपनाना है, 30585 ठीक है, पेयर बनाना है, लास्ट से दो दो का पेयर, यहां पर तीसरा पेयर नहीं बन पा रहा है तो हम जीरो रख लेते हैं सामने, जीरो रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में जीरो रखेंगे तो वो 10 गुना हो जाएगा। अब क्या है, सेम दोहराना, सेम कहानी दोहराना, सिर्फ लास्ट में खेला, लास्ट पेयर के साथ खेला करना है कि उससे कम लेना है, एक बार में एक से गुना, क्योंकि यहां पर जो रहेगा वही संख्या आ जाएगा, एक एक दो, यहां पर एक गुना एक एक, डिफरेंस दो, ये जो पेयर है 05 यहां लेकर आएंगे, ये पेयर जो 05 है यहां पर लेके आएंगे।
अब इस संख्या में क्या रखें ऐसा, सात रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है यहां पर क्या रखना हो, सात रखना होगा। कितना हो गया, 189। डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस क्या, 11 और 5 16, 189 11 200 और यहाँ 5 है, 11 और 5 16 हो गया। 16 अब क्या है, एक पेयर जो है इसको लेके यहाँ जाएंगे 85, 16 85। अब ये 27 7 34 यहाँ पर जुट गया। अब यहाँ पर देखिए खेल यहीं पर है, सारा सिस्टम यहीं पर है, जोड़ने घटाने में जो है सारा बराबर होता है, जितना संख्या बढ़ जाएगा बढ़ते जाएगा, यहाँ पर सारा में सेम कंडीशन होगा, सिर्फ लास्ट जो हम भाजक भागफल करते हैं वहां पर डिफरेंट होता है थोड़ा सा। अगर जोड़ना होता है तो इससे ज्यादा लेते हैं, अगर घटाना है, अभी क्या करना है, घटाना है, घटाना है तो इससे कम लेंगे, घटाना है तो इससे कम लेंगे। तो कम का कौन सा संख्या हो जाएगा, 5 बार में तो 1800 हो जा रहा था, 5 बार में 1800 हो जा रहा था, तो हम यहां पर 4 बार ही लेंगे, 4 बार, 4 से 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 हासिल 1, 17 17 7 हासिल 1, 4 3 12 12 1 13 1376। तो 1376 घटा देते हैं, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 16 में से 6 में से 3 गया 3, यानी कि 309। इस संख्या में जो है, इस संख्या में 309 हम घटा देंगे, 309 घटा देंगे तो ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस संख्या में हम जो है 309 घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन आपके डाउट को जो है और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला पैटर्न क्या है, संख्या 11 40 75 में कौन सी संख्या से गुणा या भाग किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या ऐसा भी हम कह सकते हैं 11 40 75 में किस संख्या से भाग किया जाए कि उस संख्या, किस संख्या से भाग किया जाए कि या गुणा किया जाए कि परिणामी संख्या जो है उसका पूर्ण वर्ग मूल्य निकाला जा सके, या तो फिर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, दोनों एक ही चीज है, दोनों सेम चीज है, वर्ग वर्गमूल दोनों एक दूसरे का पूरक है, वर्ग और वर्गमूल जो है दोनों एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, अब निकालते हैं, याद कीजिए जब मैंने आपको गुणनखंडन पढ़ाया था तो गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, गुणनखंड निकालने के लिए आपको मैंने बताया था, बस वही गुणनखंड यहां पर निकालना है, मतलब बस वही गुणनखंड यहां पर निकालना है। देखिए अंतिम में कौन सा संख्या है, 5 है, अंतिम में संख्या 5 है। ठीक है, तो हम 5 से लेते हैं पहला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या हम लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर फिर भी आएगा। तो 5 से 5 गुना 2 10, बच गया 1 तो 14 हो गया, 1 पर 4 14, तो 5 गुना 10 बच गया 14, में 4 बच गया, 4 तो 40, तो 5 8 40, फिर 7 बच गया, 7 तो 5 एकम 5 बच गया 2, 5 बच गया 25। ठीक है, फिर 5 से, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 22 से दो डिजिट को पकड़ते हैं, या वैसा डिजिट को पकड़ना है 5 से विभक्त हो जाए या उससे कम हो, मतलब उससे ज्यादा हो, गुणा करने के बाद 5 से कम हो जाए, 22 है तो 5 चौक 20, यानी कि इसमें ऐसा संख्या गुणा करें कि यहां से कम आए, ज्यादा नहीं, तो 5 चौक 20, 4 बार, 2 बच गया तो 8 28, 5 बचे 25, 1 बच गया 25 तो 28 था यहां पर, तो 3 पर 1 31, 31 पर 5 6 30, और 5 6 30, 1 बच गया 5 3 15, कहीं कोई कंफ्यूजन, देखिए 22 है, सबसे पहले 22 को लिया 5 6 20, फिर 2 बच गया 22 में क्योंकि 20 ही आया तो 28 हुआ, ये 28 हो गया तो 28, तो 5 बचे 25, यहां बच गया कितना 3 31, 5 6 30, 31 हुआ 5 6 30, बच गया 1 5 3 15, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या ये संख्या किसी संख्या से विभक्त होगा, किसी संख्या से विभक्त होगा, 5 4 9 6 3 9 6 3 9, ये 9 से विभक्त होगा, 3 से विभक्त होगा, क्योंकि अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, या वो संख्या अंकों का योग 0 हो जाए या 9 हो जाए,
तो जो है ये संख्या 9 से भी विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, चलिए 9 से विभाजित करते हैं, 9 से, ठीक है। तो 5 9 45, 5 9 45, ठीक है। उसके बाद 6 आ गया, यहां कुछ बचा नहीं सुनना, तो 6 तो 0 ले, 6 9 में से 6 भाग पड़ेगा नहीं, 0, 6 पर 3 63, तो 963, यानी कि 500 9 45 963, ठीक है। अब 7 5 12, यानी कि ये 12 का 3, यानी कि ये 3 से विभक्त होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 16 3 48, 16 3 48, 2 बच गया, 9 3 27, 9 3 27, अब ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, तो 13 से हमको लग रहा है कि ये संख्या 13 का स्क्वायर 169 शायद होता है। अब देखते हैं, आपको याद करने के लिए हम कहे थे कि 100 तक का स्क्वायर याद रखिए, फिर भी देखते हैं, 13 एकम 13, बच गया 3, 13 3 39, यानी कि 13। अब यहां पर देखना है कि अभाज्य गुणनखंडों का पेयर यहां पर बन रहा है कि नहीं, जो पेयर से बाहर होगा वही हमारा आंसर होगा, जो पेयर से बाहर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 5 का पेयर बन गया, ये सही, 9 में 3 गुना 3 है तो ये एक पेयर है, सही, 13 और 13 का एक पेयर बन गया, ये सही, ये 3 बेचारा खुटंगर हो गया, यानी इसी 3 को 1 3 और लाके पेयर बनाना होगा, यानी कि 1 3 के साथ और गुणा करना होगा, या 1 3 को इसको भाग देके हटा देना होगा, या तो इस 3 से गुणा कीजिए या इसी 3 से भागा कर दीजिए इस संख्या को, वही हमारा आंसर हो जाएगा, से हमारा पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे मित्रों को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, संख्या 75088 में कौन सी संख्या से गुणा या भाग किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या 75088 में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए कि परिणामी संख्या जो है उसका वर्गमूल निकाला जा सके या वो संख्या एक पूर्ण वर्ग होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, वही है गुणनखंड करना है, 75088 को गुणनखंड कर देना है, और जो पेयर से बाहर होगा उसी को हमारा आंसर अपना बना लेना है, उसी को आंसर बना लेना है। अब देखिए 4 से विभाजित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहा है, 4 देखिए 8 से भी विभाजित हो रहा है, क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था मैंने, तो आपको 2 से 4 से 6 से 5 से 8 से गुणा करने के लिए बताया था क्या क्या सिद्धांत है, तो चलिए हम डायरेक्ट 8 से लेते हैं, उसके बाद इसका गुणनखंडन हम बाद में कर लेंगे। 8 से 8 9 72, दो अंकों को लिया, ठीक है, 72 तो 3 30 बन गया, ये 3 पर 0 30 बन गया, तो 8 3 24 बच गया यहां पर कितना, 6 6 बच गया, तो 6 पर 8, देखिए 8 9 72 72 का 3 72 का 3, तो 3 पर 30 8 24 बच गया 6 6 पर 8 68, तो 8 8 64, तो यहां बच गया क्या, 4 8 6 48, 4 बचने से ये 48 बन गया, 8 6 48। अब देखिए ये क्या लग रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 22 4 88 24 84 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या ये तीनों संख्या 8 से फिर से विभाजित हो रहा है, 8 4 32 6 6 और 66 नहीं विभाजित होता है, ठीक है। तो 9 3 12 12 8 20 20 6 26 6 2 8, ये जो है 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 और 6 3 9 0 0, ये 8 बच गया, ठीक है, किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, किसी से नहीं होगा तो 2 से तो होवे ना करेगा, 2 से तो होवे ना करेगा, तो 2 से 46 2 92, या कह सकते 4 2 8, यहां बच गया 1, तो 13 6 2 12 12, फिर बच गया 1 1 18 9 2 18, फिर यहां पर क्या बच गया, 0, तो 6 का 6, तो द्वितीय 6 6 3 9 4 बच गया, फिर डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से विभाजित होगा ही नहीं,
तीन से विभाजित होगा ही नहीं। अब देखिए क्या है, हम ट्राई करते हैं, अगला ट्राई करते हैं, किससे ट्राई करें, किससे ट्राई करें, सात से ट्राई करते हैं, सात से ट्राई करते हैं, सात से विभाजित होगा ये संख्या, सात से विभाजित होगा, सात छक बयालीस, सात छक बयालीस, बच गया चार, सात सत्ते उनचास, नहीं नहीं होगा, सात से नहीं हो रहा, तीन से नहीं होगा, ग्यारह से, ग्यारह से नहीं, ग्यारह का क्या प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव जो है उसका योग जो है, दोनों अल्टरनेटिव योग का अंतर, अंतर जीरो हो या ग्यारह का मल्टीपल हो, तो नौ चार तेरह, छह तीन नौ, मल्टीपल डिफरेंस क्या हो गया, चार हो गया, इसलिए ग्यारह से विभक्त नहीं होगा तेरह से। तो तेरह या उनचालीस, तेरह से करते हैं देखते हैं, तेरह या उनचालीस सात, तेरह दिया उनचालीस, उनचालीस सात, उनचालीस, उनचालीस यहां सात बच गया, उनासी, तेरह छक, तेरह छक अठहत्तर, तेरह छक अठहत्तर, तो बच गया एक, तो तेरह कम तेरह। चलो उसके बाद क्या है, उन्नीस का स्क्वायर तीन सौ इकसठ होता है क्या, उन्नीस का स्क्वायर तीन सौ इकसठ होता है, उन्नीस का स्क्वायर यहां क्या गया, उन्नीस गुना उन्नीस, उन्नीस बार विभक्त होगा, उन्नीस से कम उन्नीस, सत्रह बच गया, उन्नीस नवा एकहत्तरा से, उन्नीस नवा एकहत्तरा उन्नीस हो गया। अब देखो पेयर में कौन कौन है, ये पेयर में है, ये यहां पर तीन गो दो है, तीन गो दो, ठीक है, एक पेयर और ये एक दूसरा पेयर, यानी इसका भी बन गया, आठ दुना सोलह, तो चार चौक सोलह, चार चार का पेयर ये बन गया, तो ये तेरह एक फुट अंदर हो गया, ये अलग हो गया, अलग थलग पड़ गया, लीग से बाहर हो गया, इसका कोई भी पेयर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, या तो तुम तेरह से गुना कर दो भैया, या तो तुम तेरह से भाग कर दो, या तुम तेरह से भाग कर दो। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप, जो कि आप जो है अपने घरों पर बनाए, ठीक है, देखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन के अंदर पांच क्वेश्चन दिया गया है, वो है क्या आप जानिए, निम्न संख्याओं में से, में निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ा या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है, अब इस सबको सॉल्व करना है, इस सबको सॉल्व करना है कि 43 7 21 में क्या हम जोड़ें या घटाएं, क्या जोड़ें या घटाएं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 76 3 21 में क्या हम जोड़ें या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दो दो आंसर निकलेगा, दो दो आंसर निकलेगा, आप इतना प्रैक्टिस करिए, दोनों निकालिएगा ना, तब इतना प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाएगा, और करना कुछ नहीं है, लास्ट स्टेप में ही आंसर है, लास्ट स्टेप में ही आंसर है, ठीक है। इसमें भी क्या है, 321 4 76 3 2 1 4 7 6 में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। 8 3 2 1 6 5 में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 5 3 2 1 9 में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या से गुना या भाग दिया जाए कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो एक ही आंसर होगा, गुना या भाग एक ही आंसर, जो पेयर से हटकर होगा, जो पेयर से हटकर होगा वही हमारा आंसर होगा, जो पेयर से हटकर होगा वही आंसर होगा, उसी संख्या से या तो गुना कर देना है या तो भाग कर देना है, या तो गुना कर देना है या तो भाग कर देना है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सेम है, सेम है, सेम इसी क्वेश्चन को, जो पिछला एक नंबर का क्वेश्चन है उसी डिजिट को से आपको इस क्वेश्चन को भी हल करना है, इस क्वेश्चन को भी हल करना है। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।